हाई, दिस इज तेजस्वी प्रकाश एंड यू वॉचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हाय गाइस, मैं मोनिका, आप देख रहे हो फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ है खतरों के खिलाड़ी की एक ऐसी अनोखी लड़की जिनको आपने टेलीविजन पे बहुत सारी बार देखा है और वो अभी कर रही है स्टैंड। चलिए जानते हैं उनका क्लास 2020 का बैच कैसा रहा। शी इज नन अदर देन तेजस्वी इज हियर विद अस। वेलकम टू फिल्मी बीट। हाय, थैंक यू। How was this batch? What do you want to say about this year's खतरों के खिलाड़ी? It is very special because पहली बार मैं acting नहीं कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ असली में कर रही हूँ। जो भी सारी stunts हो रही है वो सच्ची में हो रही है। और मेरा सबसे पहला reality show है तो लोगों के लिए एक मौका है जानने का कि मैं actually कैसी हूँ। तो मेरे लिए बाकी शो से बहुत अलग है। कितना challenging था, क्या सोच के आपने खतरों के खिलाड़ी को साइन किया? मैंने ये सोच के मैंने ये जो शो है एक्सेप्ट किया क्योंकि ये एक बहुत क्लीन शो है। बहुत इसमें कोई गेम्स, मेंटल माइंड गेम्स नहीं खेलनी। जो भी करना है फिजिकली स्टंट करना है और प्रूव करना है कि इफ़ यू रियली देयर, यू देयर बिकॉज यू डिज़र्व इट। और आप जो भी करते हो अपने बलबूते पे करते हो, तो ये मुझे इस शो के बारे में बहुत अच्छा लगा। तो सबसे ऐसे कौन सा स्टंट था जो आपको बहुत इजी था एंड आपको बहुत अच्छा लगा था? नहीं, ऐसा कोई भी स्टंट नहीं है जो बहुत इजी था और मुझे बहुत अच्छा लगा करते हुए। नहीं, ऐसा एक भी स्टंट मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। डिफ़िकल्ट कौन सा स्टंट था? सारे स्टंट्स डिफ़िकल्ट है। ऐसा कोई भी स्टंट नहीं है जो देख के ऐसे बोलेगा अरे यार ये तो क्या यार मज़े आ गए, ये तो कर लेंगे। ऐसा एक भी स्टंट नहीं है। इनफैक्ट जो स्टंट ईजी लगता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं परफॉर्म करने के लिए। और आप जैसे देखो ही, मतलब आप जब भी शो देखोगे तो आपको समझ ही आएगा कि कोई भी स्टंट ईजी नहीं है। वॉट इज़ द टेक अवे जो लाइफ लॉन्ग आपकी मेमोरी रहेगी शो की? हर एक स्टंट, वो एक टाइम, वो एक वो माहौल, वो सारी चीज़ें सीखना रोहित सर से, खुद को चैलेंज करना मेंटली फिजिकली, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हमेशा रहेगी। जैसे कि आपने कहा कि लाइक ये बहुत माह, हम आप देख सकते हैं ये कैसे हुआ, लाइक कौन सा डांस था ये? तो वो वैक्स वाला स्टंट है जिसका प्रोमो भी कटा है। और मेरे वो इतनी ज़ोर से वैक्स गिरा है कि उसने मेरे इतने सारे लेयर ऑफ स्किन को बर्न कर दिया है कि अभी वो पता नहीं कब हील होगा, बट डॉक्टर ने बोला है एक साल तो जाएगा। तो या ये एक याद है मेरे साथ, सुवीनियर है जो मैं लेके आई हूँ खतरों के खिलाड़ी से। अवल, हमने आपको बिग बॉस के टाइम पे दिखा, फिनाले में प्रमोशन के लिए आए थे एंड पारस के साथ आप पहले काम कर चुके हैं, तो अब उनका स्वयंवर आ रहा है, तो क्या कुछ आपने उनके साथ बात की? अभी तक मेरी बात नहीं हो पाई है क्योंकि कल ही परसों हुआ फिनाले, तभी मैं मिली पारस को बहुत टाइम बाद, और उसके बाद तो बात ही नहीं हुई। कल श्योर उसे भी ऐसे धक्का लगा होगा ना, वो घर के बाहर आया है, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लोगों को मिलके, थोड़ा उसे भी सेटल डाउन होने के लिए टाइम लगेगा। पर अभी मैंने उसे आते आते यही बोला था, देख मैंने तेरा बिग बॉस देखा, अब तुझे मेरा खतरों के खिलाड़ी देखना है। तो वो बोला है कि मैं देखूँगा, तो लेट्स सी। इसके बाद कौन सा रियलिटी शो आप करना चाहोगे? आई डोंट नो। ऑलराइट, जाने से पहले क्या कुछ कहना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने हमेशा मेरे कैरेक्टर्स को, मेरे हर एक अलग अलग रूप को पसंद किया है। वैसे ही अगर आप सच्ची मुझे प्यार करना चाहते हैं तो मेरे असली रूप से करें, जो है तेजस्वी प्रकाश, और प्लीज़ हमारा शो देखें।